बस दर्शन समझा सकूं मैं, ऐसा मेरा विज्ञान कहाँ है। मानस दर्शन समझा सकूं मैं, ऐसा मेरा विज्ञान कहाँ है। सुंदर श्रोता, सुंदर कार्यक्रम, सुंदर वातावरण है। मैं सच कहती हूँ, मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला है। मैं पहली बार ऐसे मेले के मैदान पे पढ़ रही हूँ, ये मेरा पहला अनुभव है, तो रखती हूँ, सुनिएगा। सुंदर श्रोता, सुंदर कार्यक्रम, सुंदर वातावरण है। सुंदर श्रोता, सुंदर कार्यक्रम, सुंदर वातावरण है। दे दो यहाँ आशीष मुझे, सब मांगू मैं सब से वचन है। प्रेम है मवाना के जनों का, प्रेम है मवाना के जनों का। सुंदर सभा लगाई हुई है, इसीलिए इसीलिए शशि राजापुर से इस मावाना में आई हुई है। इसीलिए शशि राजापुर से इस मावाना में आई हुई है। बहुत खूब, और आपका समर्थन मिले, और मैं चार लाइनों से अब अपना परिचय देती हूँ कि सुनिएगा। मन को जो लगे प्रिय उसे प्रियदर्शी कहते हैं, कि मन को जो लगे प्रिय उसे प्रियदर्शी कहते हैं। उर में जो बसी हो उसे उर्वशी कहते हैं, कि उर में जो बसी हो उसे उर्वशी कहते हैं। यूं तो चाहते हैं उसे हर धर्म के ही लोग, यूं तो चाहते हैं उसे हर धर्म के ही लोग। जो है दूर से चमके उसे ही शशि कहते हैं। वाह वाह, दूर से चमके उसे ही शशि, चंद्रमा को कहा जाता है शशि जी। शशि का मतलब चंद्रमा होता है, और चांद तो सीधी सी बात है, हम सभी धर्म के लोग पूजते हैं, मानते हैं, तो वो शशि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिस तरह का माहौल है, उस तरह में कुछ बातें धुरर की ना की जाए, मतलब की बातें की जाए, और मतलब की बात की जाए, और मतलब के ही गीत और कहानी और मुक्तक सुनाए जाए, तो मजा आएगा। तो चार पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि तुझ दीवाने सा दीवाना अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। तालियां बजते हैं। कि तुझ दीवाने सा दीवाना अच्छा लगता है, तेरा दिल में बस जाना अच्छा लगता है। तुझ दीवाने सा दीवाना अच्छा लगता है, तेरा दिल में बस जाना अच्छा लगता है। जब भी रूठूं प्यार से मना लेना, जब भी रूठूं प्यार से मना लेना। मुझे हरदम आप बताइए क्या होगा। मुझे हरदम तेरा मनाना अच्छा लगता है। वाह वाह, लाजवाब। अच्छा, मेरी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं हास्य व्यंग के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं कोई और गीत पढ़ूँ, कुछ और पढ़ूँ आप सभी के लिए जो मेरे सामने उपस्थित है, मेरे छोटे भाई जो बीच बीच में सभी का उत्साह बढ़ाते हैं। तो मैं अपनी बहनों के लिए एक गीत रखती हूँ, कि हम बहनों को हमेशा जो पत्नियां बन जाती हैं, उनको समस्या बताई जाती है, तो सुनिएगा। श्रोताओं से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है, तो सुनिएगा भाई, अभी मैं महिलाओं के लिए बात करने वाली हूँ, सुनिएगा, गीत रखती हूँ, सुनिएगा। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। हमेशा पति पत्नियों को आफत बताते हैं, तब मैंने कहा ये कि सुनिएगा।
और खासकर मेरी बहनें जो बैठी हुई हैं उनकी तालियां बजनी चाहिए इस पर, क्योंकि हम पत्नियों को आफत बताई जाती है। कुछ साल तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद हम आफत लगने लगते हैं, तो तालियां इधर से बजनी चाहिए। सुनिएगा शशि जी, एक बात टोक रहा हूं आपको जी, कि आप सिर्फ बहनों के लिए ही गा रही हैं, जो भाई हैं क्या ये बाढ़ में बह के आए हैं? नहीं, उनका भी ख्याल रखिए, वो थोड़ा सा वो जमा रहे हैं सब कुछ। नहीं नहीं, हमारे हमारे भाई जो जो अभी तालियां बजा रहे हैं वो भावी पति हैं, उनको ध्यान से सुनना पड़ेगा ये। भाई जोरदार तालियां बजाइए एक बार। भाई यहां पे तालियां बजा रहे हैं, वो भावी पति हैं। स्वागत है, बहुत सुनिएगा। स्वागत। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी, जब भी उसका बेटन आता मुझको देने से घबराता, जब भी उसका बेटन आता मुझको देने से घबराता, कितनी मुश्किल से मैं रहती अड़ी अड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। अच्छा, स्वागत स्वागत है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। मुझे पता है मेरी बहनों का समर्थन इससे मिलेगा मुझे, क्योंकि हर बहन इससे पीड़ित है। तो सुनिएगा, जब सुबह को चाय बनाते तो क्या होता है? जब वो सुबह को चाय बनाए कितनी तरह से मुंह बिचकाए, कितनी तरह से मुंह बिचकाए, डाले अदरक उसमें खड़ी खड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। जो भी ताली बजा रहे मेरे भाई लोग ना, इनको अपनी जो गलतियां है ना, जो मैं गीत में पढ़ रही हूँ उसमें सुधार करना पड़ेगा आपको घर जा करके। सुनिएगा। जब भी वो बाहर जाता बाहर का, जब भी वो बाहर जाता होकर बाहर का रह जाता, जब भी वो बाहर जाता होकर बाहर का रह जाता, फोन लगाती मैं उसको घड़ी घड़ी, जान की आफत गले पड़ी। जाने को जब शॉपिंग कहती कह कह कर मैं थकती रहती, जाने को जब शॉपिंग कहती कह कह कर मैं थकती रहती, घूरत नजरों से देखे वो सड़ी सड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। लास्ट लाइनें रखती हूँ, सुनिएगा। भाइयों का भी समर्थन चाहिए और बहनों का भी समर्थन चाहिए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा शशि जी, ये एमसीडी प्रोडक्शन से जी, तभी समय मुशायरे का ये कैमरा आया हुआ है। अच्छा। और ये यूट्यूब पे प्रसारित होगा पूरा कार्यक्रम, और ये शायद आपके पति तक भी पहुँचे जी। हाँ, ये मैं उनको सुना करके ही आगे मैंने आगे सुनाने के लिए इसको तैयार किया है। यहाँ जितनी महिलाएं तशरीफ रखती है उपस्थिति रखती है, वो सोच रही काश हमारे भी पति ऐसे ही होते जी। सुनिएगा लास्ट लाइन है इसकी। स्वागत स्वागत। जब भी वो खाना पकाता कितना तो मुझे सुनाता, जब भी वो खाना पकाता कितना तो मुझे सुनाता, सेकता रोटी कड़ी कड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। तो ये तो रही पति पत्नियों की बात और पति पत्नियों के बीच की नोक झोंक की बात। अब मैं रखती हूँ युवाओं के लिए, जो यहाँ पे मेरे श्रोता भाई लोग यहाँ पर जुड़े थे उनके लिए रखती हूँ, क्योंकि उनको मुझे पता है इस चीज में मजा नहीं आएगा, जिस चीज में मजा आएगा मैं वो आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक गजल रखती हूँ। स्वागत है स्वागत। जो भी एक समय बीतने के बाद ऐसी स्थिति आती है कि आप अपने पुराने जो आपके साथ बीत चुका होता है उसको आप याद करते हैं और खुश होते हैं, तो सुनिएगा। सुनिए नौजवानों, सुनिए, और जितने आप भूतपूर्व नौजवान हैं वो भी सुने। सभी सुने, सभी सुने, सब मिलके सुने, सब लोग सब मिलजुल करके सुने। स्वागत, मिलजुल करके सुनने का ही जो मंच है और जो कार्यक्रम सजा हुआ है मिलजुल करके ही है। सुनिएगा। अच्छा, आपको तो सिर्फ लोग सुन नहीं रहे, आपको देख भी रहे हैं। अच्छा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अच्छा, आप किस बात पे एक चचा मुस्कुरा बैठे हैं?
अच्छा क्या बात है बच्चा, क्या बात है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर मैं किसी की मुस्कुराहट का कारण बन सकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाचा को नींद नहीं आएगी रात को है। चलिए चलिए सुनिएगा। तुझको सोचूं तो गुलाबी ये हो जाता है, तुझको सोचूं तो गुलाबी ये हो जाता है, तुझको सोचूं तो गुलाबी ये हो जाता है, सारा मंजर शराबी जैसे हो जाता है। तुझको सोचूं तो गुलाबी ये हो जाता है, मुझसे ज्यादा कोई मुझको चाहता है। ऐसा होता है प्यार में, मोहब्बत में ऐसा होता है कि हमसे ज्यादा हमें कोई चाहने लगता है। तब सुनिएगा। मुझसे ज्यादा कोई मुझको चाहता है, मुझसे ज्यादा कोई मुझको चाहता है, इतना दिल सोच कर ही नवाबी हो जाता है, इतना दिल सोच कर ही नवाबी हो जाता है। अरे एक बार ताली भी बजाते रहिए बीच बीच में। असल में शशि जी, ये जो जितने लोग हैं ये सब आपको जो है वो खो गए आपकी गजल अब सुन रहे हैं। डूब कर सुन, ये सब डूब के सुने। जो चचा है ना, चचा तो कतई एकदम डूब ही चुके हैं। अरे मैं तो अच्छा, मुझे शेर याद आ गया शशि जी चचा के लिए, के कैद दिल में ये जान हो जाए, कैद दिल में ये जान हो जाए, इश्क जब मेहरबान हो जाए, कैद दिल में ये जान हो जाए, इश्क जब मेहरबान हो जाए, और हुस्न जब इश्क पर उतरता है बूढ़ा बूढ़ा जवान हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या आपकी गजलों के सब डूब चुके। सुनाइए, बहुत अच्छा सुना रही हैं। मैं तो ये कहूंगी डूबिए मत, उतराइए, उतरा कर सुनिए। ठीक है सुनिए। तुझसे मिलना जब भी मुझको याद आता है, तुझसे मिलना जब भी मुझको याद आता है, तुझसे मिलना जब भी मुझको याद आता है, दिल का मौसम खुद ही गुलाबी हो जाता है, दिल का मौसम खुद ही गुलाबी हो जाता है, जब भी तूने नजर भर के मुझको देखा है, जब भी तूने नजर भर के मुझको देखा है, जब भी तूने नजर भर के मुझको देखा है, मेरा चेहरा भी किताबी हो जाता है, मेरा चेहरा भी किताबी हो जाता। अच्छा एक चीज शशि जी, एक चीज आपने नोट की होगी कि पीछे दो पुलिस वाले भी आपकी कविता को सुन रहे हैं। अब देखिए कि जो पुलिस किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। जी 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 बिल्कुल। और मुझे बहुत बढ़िया बात है, आपकी आवाज में जादू है कि वो देखिए सुन रहे हैं आपको, व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा एक बात बता दूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा प्रशासन के लिए, क्योंकि ये इन लोग की वजह से हम लोग मुशायरे कर पाते हैं। हम बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजाइए, आप इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हुए लोगों के लिए बजाइए, और एक बार इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले मुनिस भैया जी के लिए बजाइए ताली जोरदार। और जुड़िएगा, अंतिम लाइनें रखती हूँ, सुनिएगा। मुझको अंधे सफर के सपने मत दिखला। जब हम प्यार में होते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े क्या कहेंगे वादे करते हैं, और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो सुनिएगा। स्वागत। मुझको अंधे सफर के सपने मत दिखला, मुझको अंधे सफर के सपने मत दिखला, मुझको अंधे सफर के सपने मत दिखला, मन का मंजर
सब मेहताबी हो जाता है, मन का मंजर सब मेहताबी हो जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा पढ़ा। और यहाँ पर उपस्थित सभी जो नौ युवा लोग हैं उनके लिए दो लाइनें रखती हूँ कि सुनिएगा कि जब प्यार में होते हैं तो हम भूल जाते हैं, सारे काम भूल जाते हैं, जो हमें चीज़ें करनी होती वो भूल जाते हैं। तो दो लाइनें उनके लिए रखती हूँ कि तुम्हारी याद में कैसे थे कैसे हो गए, तुम्हारी याद में कैसे थे कैसे हो गए, धोने थे हमें बैगन कद्दू धो गए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और चार लाइनें सुनिएगा प्यार के लिए कि चाय जैसा प्यार तुम्हारा, चाय जैसा प्रेम तुम्हारा, पल पल तुमको चाहो जी, चाय सबकी मजबूरी होती है, आजकल सभी लोग चाय के दीवाने हैं, चाय जैसा प्रेम तुम्हारा, पल पल तुमको चाहो जी, सर्दी हो या गर्मी में, सर्दी हो या गर्मी हो मैं लेकर चुस्की तुम्हें पी जाऊं जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जाते जाते मैं चार लाइनें कहना चाहूंगी कि सुनिएगा कि नई कहानी नया किरदार लिख, नई कहानी और नया किरदार लिख, आंखों का पानी नहीं पानी की धार लिख, नई कहानी और नया किरदार लिख, आंखों का पानी नहीं पानी की धार लिख, दे गया जो नए नए अनुभव जीवन में, दे गया जो नए नए अनुभव जीवन में, उन सभी का खुले दिल से आभार लिख, उन सभी का खुले दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे मन से सुनने के लिए।